दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में कगिसो रवाना की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके पुल शॉट मारने का जो एम्बिशन था ऋषभ पंत का, वो भारी पड़ गया, क्योंकि तीन गेंदों की पारी में वो खाता भी नहीं खोल पाया। और उसके बाद से लगातार जो अगर क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को देखें, उनका गुस्सा ऋषभ पंत पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम क्रिकेटर्स ने बड़ी बड़ी बातें कही कि ऋषभ पंत को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलनी पड़ेगी, लेकिन विराट कोहली जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे स्ट्रेट अवे पूछा गया कि ऋषभ पंत के ऊपर आपका क्या कहना है। और अब तक जो कि विराट कोहली के अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे, जो इंग्लैंड में वो डिफेंड करते थे ऋषभ पंत को कि यार ये मोमेंटम चेंज करने वाला बल्लेबाज है, वही विराट कोहली आज कहीं ना कहीं एक तरीके से कहेंगे तो नसीहत दे रहे थे ऋषभ पंत को। उन्होंने कहा कि मेरी बातचीत हुई है ऋषभ पंत से प्रैक्टिस सेशन में, और ऐसा नहीं है कि हम सब ने अपने करियर में कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक खेलना है तो अपनी गलती ना दोहराएं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ये विराट कोहली ने कहा। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उन्होंने गलती की दूसरे टेस्ट मैच में वो दोहराए नहीं। और साथ ही साथ एमएस धोनी के बारे में उन्होंने एक बात कही है, और उनका कहना था कि एमएस धोनी ने एक कभी विराट कोहली को सिखाया था कि अगर आप लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं तो जो गलती आपने आज की है कम से कम उसे कोशिश करें कि 6-7 महीने तक आप उसे दोहराएं नहीं, तो आपका जो करियर है वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। इनडायरेक्टली यानी कि विराट कोहली ने ये बात ऋषभ पंत को कही है कि जो गलती आपने दूसरे टेस्ट मैच में की, अगर आपको तीसरे टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिलता है तो कोशिश करें कि ये गलती ना दोहराएं, कोशिश करें कि ये गलती आने वाले 7-8 महीने तक ना रिपीट हो, तभी जाकर आप लंबे समय तक खेलेंगे। तो एक तरीके से मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि विराट कोहली ने भी वार्निंग जो है वो दे दी है ऋषभ पंत को कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ड यूज किया उन्होंने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, यानी कि जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत ये बातें सुनकर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखेंगे और टीम इंडिया के लिए आनंद फानन में कोई ऐसा शॉट नहीं खेलेंगे जिसको लेकर बवाल हो जाए। आपको कैसी लगी ये स्टोरी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।